के लोगों को शांति नीना का नमस्कार है और बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार, जो मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार। अभी मैं ये देख रही हूँ कि मतलब है ना, मेरा ये कहना है आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो क्या हरकत कर रही है कि मतलब ना, जैसे ही नई शादी हो रही है वैसे ही जो उनकी वाइफ हैं दूसरे तीसरे दिन ही फुल मेकअप में इतनी अश्लीलता के साथ डांस करती हैं, इतनी अश्लीलता के साथ डांस करती हैं। मतलब वो एक जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा और जो श्री राम और सीता जी को जो मानता होगा, क्योंकि उन्हीं से हमारे संस्कारों की उत्पत्ति हुई थी और उन्हीं से सब कुछ, मतलब सारी बातें जो हैं वो चली थी, सांसारिक सामाजिक। तो अरे भाई, इतनी तो थोड़ा सा मेरा ये कहना है, जो न्यू कपल हैं और वो हस्बैंड भी उनके साथ डांस करता रहता है, उल्टे सीधी हरकतें करते रहते हैं ये लोग, और हस्बैंड को भी वो सम्मिलित कर लेती हैं, फिर एक दो दिन हस्बैंड रहेंगे उसके बाद फिर वो अकेली ही शुरू हो जाती हैं। इतने छोटे छोटे साड़ी का भी अपमान करती हैं, साड़ी भी इतने बेढंगपन से पहनती हैं कि उनका पूरा शरीर दिखे, पूरा फिगर दिखे। क्या ज़रूरत है, जब हम हमारे पति के लिए बने हैं, हमारे को पति भगवान ने परमानेंट दे दिया है, तो वो जो जो कुछ भी करना है आप अपने रूम में करें, अपने कमरे में करें, और आप जहाँ पर कहीं घूमने जाएं वहाँ अपने हस्बैंड वाइफ मस्त तरीके से आप रह सकते हैं, आज़ादी है फुल। कोई ऐसा नहीं है कि आपको हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल होगा, सारी दुनिया को क्या दिखाना। इतने गंदे गंदे लोग कमेंट करते हैं, अरे तुम वो बर्दाश्त कर जाते हो, अपन समाज में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो कमेंट तो कम से कम वो बर्दाश्त मत करो। इतना गंदा गंदा कमेंट करते हैं कि पहले एक आदमी ने तो ऐसा कमेंट लिखा था कि पहले जो है पहले पैसे देकर के लोग जाते थे, जो मतलब पहले ज़माने में जो भी वो रहती थी नाचने वाली, तो उनको शायद पता नहीं क्या बोलते थे पुराने ओल्ड ज़माने में, बेड़नी, शायद बेड़नी कहते थे, ये मुझे मालूम नहीं है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। तो पहले लोग पैसे दे करके, मतलब उन्होंने कमेंट करा एक जगह एक जेंट्स ने कि ये जो है पहले तो नाचने के लिए पैसे देते थे और मतलब है ना पैसे दे के डांस देख लेते थे, आजकल तो फ्री में देखने को मिलता है। मतलब मैं कह रही हूँ कि इतने गंदे गंदे कमेंट लोग कर रहे हैं लेकिन सबकी नज़रें बंद हैं। अरे भाई, मैं उस लेडीज़ से ये कह रही हूँ जो जो ये काम कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचा रहा है। मैंने कहा लेडीज़ हैं तो बहुत ही उत्पात मचा रही हैं, हम उनके लिए दया कर सकते हैं जो लेडीज़ परेशान हैं, और कई लेडीज़ ऐसी भी हैं जो घर में घुसी हुई हैं बेचारी। मैं उनके लिए नहीं कह रही, मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको सब चीज़ की आज़ादी है। इतनी भी आज़ादी से मत रहो कि अपने माँ बाप का सर झुक जाए, अपने ससुराल वालों का सर झुक जाए। अरे तमीज़ रखो थोड़ो भाई, थोड़ी सी तो तमीज़ रखो। सब आ रहा है यूट्यूब पे, मैं भी आ रही हूँ, लेकिन तरीके से रहो, अपने पति की इज्जत रखो, अपने पापा मम्मी की इज्जत रखो। चलो ठीक है, तुमने ससुराल वालों को भाड़ में कर दिया, भाड़ में झोंक दिया, लेकिन अपने पति, अपने माँ बाप की तो इज्जत रखो, भाई होंगे उनकी तो इज्जत रखो। कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो वो क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे कि हमारी मम्मी इस तरीके से डांस करती थी, क्या मानूँ वो एकदम संस्कारिक पैदा हो गया आपके घर में बच्चा, फिर आप क्या करेंगे, आपका जीना दुर्भर हो जाएगा। फिर जो बच्चे जो जो बच्चे हैं उनकी शादी होने में दिक्कतें होंगी, यदि लड़की हो गई लड़का हो गया। अरे कुछ अश्लीलता बंद करो, ये बहुत ही गंदी अश्लीलता कर रहे हो तुम लोग। और ऐसा ना हो कि कोरोना की जगह कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि फपोले पड़ने वाली बीमारी आ जाए, तो आपके पूरे शरीर ही गंदे हो जाएंगे, क्योंकि भगवान गंदगी से बहुत नाराज होते हैं। उनके संस्कारों को जो मतलब चैलेंज करता है ना, तो भगवान फिर इस तरीके से निकालते हैं जो अभी चल रहा है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि तरीके से रहिए, अश्लीलता नहीं फैलाइए। जय श्री राम।